हम 2D एरे का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसमें रो और कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए 2D एरे प्रोग्राम टू स्कैन एंड प्रिंट डाटा एंड रेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। क्वेश्चन कह रहा है 2D एरे का एक प्रोग्राम बनाना है और रो और कॉलम्स की जो डेटा की वैल्यू है वो हमें बाहर कीबोर्ड से यानी कि स्कैन ऐप के थ्रू एंटर करवानी है। तो सबसे पहले जैसा कि तरह दोनों हेडर फाइल ले ली, हैस इंक्लूड stdio.h, हैस इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल हैं। फिर वाइड मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब सबसे पहले इन टाइप के डेटा डिक्लेयर किए, IJRC AR मीन्स एरे 10 रो 10 कॉलम्स, 10 इंटू 10 यानी 100 वेरिएबल्स हो गया। IJ लूप के लिए, RC रो और कॉलम के लिए। क्लियर स्क्रीन लगा, क्लियर स्क्रीन से आउटपुट विंडो ब्लैंक हो जाएगी, जो पहले का आउटपुट होगा वो साफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ फंक्शन में हमने मैसेज दिया, एंटर द रो एंड कॉलम्स बिटवीन 10 इंटू 10, यानी कि यूजर 10 रो या 10 कॉलम तक डेटा डाल सकता है। और स्कैन एफ से R और C में हमने स्कैन करवा लिया। आगे लूप में हम टेस्टिंग इन्हीं से ही करेंगे। तो लूप स्टार्ट किया, फोर i = 1, i lt r, i++, क्योंकि आपको पता है एरे का साइज 0 से स्टार्ट होता है और उसके मेन साइज से 1 कम तक जाता है। तो मेन साइज R है तो उससे 1 कम तक जाएगा। ऐसे ही हमने J का स्टार्ट कर दिया, इसमें कॉलम से टेस्टिंग की, यानी कि लूप जो जाएगा वो C से 1 कम तक जाएगा, क्योंकि लेस देन लगाया हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ है। अब हमने F+STDIO यूज किया, इससे मेमोरी फ्री हो जाती है, ऑप्शनल है। अगर आपका प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आ रहा तो आप लगा सकते हैं, बफर मेमोरी को फ्री कर देता है ये। इसके बाद प्रिंट एफ से मैसेज दिया, एंटर द 2% एलिमेंट ऑफ द 2D एरे। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हमने आई और जे की वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया लूप के थ्रू, और स्कैन भी करवा लिया एरे आई और जे के अंदर। और उसके बाद अब लूप फिर से हमने चला दिया एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो एक बार पहले लूप चलाया हमने R का यानी रो का, और फिर सेम वैसा ही चलाया कॉलम का जैसे हमने स्कैन के टाइम पे चलाया था। तो एक बार रो एक बार कॉलम आपका प्रिंट हो जाएगा। अब लूप के लिए बिल्कुल सेम है, i या j = 0, i और j <r> c, और i या j++, यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट हो जाए। फिर एक फंक्शन लिया डीले, फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल में आर्गुमेंट पास की। ये किसी भी लूप के आउटपुट को स्लो में शो करता है, तो आप कोई सी वैल्यू डालकर इसका आउटपुट देख सकते हैं। फिर प्रिंट एफ से पहले /t यानी कि टैब का स्पेस आ जाए, और %d से एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाया। फिर एक कर्ली ब्रेसेस से हमने एक फोर लूप को बंद किया और प्रिंट एफ में /n दे दिया ताकि न्यू लाइन मिटाए। अब रन कर दिया, अब हम डेटा डालेंगे। इसमें पहले दे दिया 2 और फिर 3, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम, तो 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट है इसमें डालेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने एंटर किए। देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आ गया। इसी आउटपुट को हम स्लो करके देखेंगे डीले फंक्शन से। अब देखिए जो मैंने कमेंट बनाई थी डीले के आगे, इस कमेंट को मैं हटा दूंगा। अब इसे रन करेंगे, मैंने इसमें 200 डाला हुआ है, इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका आउटपुट देख लें, हमने डाल दिया 1 और 2, यानी कि 2 बार आउटपुट आएगा। तो 1 और 2 ये इस तरह से प्रिंट कर देगा, यानी कि 3 और 4 जो एलिमेंट डाले वो। अब इसमें एक बार 2 और 3 डालकर देखते हैं, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 बार एलिमेंट डालने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से 2 रो 3 कॉलम में डेटा आपके पास विजिबल हो गया। कुछ चीज़ समझ में ना है तो आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं। अब वैल्यू बदल रहा हूँ मैं डीले में, मैंने 8 डाल दिया, 800। अब देखिए और स्लो में दिखाई देगा आपको। अब मैंने फिर से रो 2 और कॉलम 3 यानी कि 6 बार डेटा में डालना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.8 सेकंड का गैप ले रहा है, 1 सेकंड का 80% का।
तो इस तरह से आपने प्रोग्राम किया 2D एरे का। ये डाटा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, BCA के कोर्स में है, वरना आप C अगर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो, वो आप C में भी देख सकते हैं। 8 चैप्टर में आता है एरे, उसमें 2D एरे भी है। तो आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, प्रोग्राम देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको काफी नॉलेज मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें अपडेट होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई आपके सुझाव है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।